ये बात है आपके सामने, ये दिखाते हैं वो बावली वाली वीडियो आपको दिखाई थी याद होगी, तो ये आपके सामने है कमेंट, ठीक है। डॉक्टर प्रभुप्रीत सिंह, ठीक है, साबी सिंह, ये किसी को कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं, गुरु साहब ने आने ता घट्टो घट अपने सी कि उनके अपने बच्चे थे, उनके खुद से जन्मे हुए थे, रामू वंग, ये सब रावण दा रावण के बच्चे कह रहे हैं ये लवकुश को। और हालांकि कुछ सिख जो हैं अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम जो हैं लवकुश के वंशज हैं, हम तो अयोध्या के जो राजा हैं रामचंद्र जी उनके संतानों में से, हम उनके संतति में से उनके वंशज हैं। तो अब ये लवकुश के ऊपर ही इन्होंने सवाल लगा दिया है, आपसे बर्दाश्त हो सकता होगा, हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। हम धर्माचार्यों के पास जाकर के कैसे बोले, धर्माचार्य बिजी हैं और हम खुद के भी कुछ कुछ काम होते हैं, लेकिन अभी समय निकाल करके आपके सामने बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल लंका विच, यहाँ पर ये शब्द जो है आपको ये पंजाबी में दिख रहा होगा, लंका सी एच के बाद जो है आप इसको पंजाबी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, एल्स जो गाली होती है ये वही है। आपको नहीं समझ आता, आप किसी पंजाबी वाले जो पंजाबी पढ़ना लिखना समझना जानता हो, बोल करके एक्सप्लेन कर सकता हो ऐसा, आप उसके साथ बैठ करके समझ लीजिए क्या लिखा है। रावण ताइयों सीता छड़नी पाई, कि रावण ने सीता माता जी के साथ कुछ संबंध जो ये कह रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इसके बारे में जो है रावण का श्राप ही था रावण के ऊपर कि अगर वो किसी भी पतिव्रता स्त्री पे, किसी भी स्त्री पर हाथ लगाएगा, पतिव्रता स्त्री पर जो अपनी पत्नी से इतर, तो उसका नाश हो जाएगा, जो कि हुआ भी है। तो 30 किलो दा तीर तेरी माँ सीता दे। अच्छा, श्री सीता माता के बारे में ये सब चीज़ अपमान हो रही है पंजाब के अंदर, ये बहुत कॉमन है। आपके सामने ये ऑनलाइन होकर के लोग बताते नहीं हैं, इसीलिए आप जो है तलवे चाटने के लिए चले जाते हैं लोगों के कि चप्पल चाट लेते हैं जी, आप पंजाब से हो, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमको बचाया। हालांकि बचाया है, कुछ लोग ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं होते, पर सबके अंदर मेजॉरिटी अगर ऐसे हों तो, जैसे बोलते हैं ना 0.9 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, जैसे बोलते हैं ना 0.79 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो वो 0.79 भी हो या 1 हो, वो 1 ही कंसिडर किया जाएगा, उसको ऐसा होल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, जब बड़ा नंबर कंसिडर करना हो। सिख छोड़े नहीं है ना, सिख बहुत बड़े हैं पंजाब के अंदर, तो अगर देखें तो सिख तो मेजॉरिटी ही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये सीता माता के बारे में अपमान है, आप बर्दाश्त कर सकते होंगे, हम नहीं कर सकते। अब ऐसा है, मेरी लाइव वीडियोज़ जो हैं ये, इसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इशू आ रहे हैं, इसी कारण से ये सब जो चीज़ें हैं सही टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप देख लीजिए। और ये जो आपके सामने ये दिख रहा है इतना सारा, और ये मैंने फेसबुक का लिंक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, संभाल के रखी हुई है। अब सोच रहा था कि हाँ भाई दिखाया जाए बहुत कुछ, तो दिखाते हैं। बाकी गुरु साहब का परिवार विछोड़ा होया सी, उन्होंने खुद नू कदे रब नहीं कहा, तो भगवान श्री राम जो थे वो तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा थे, इसलिए वो खुद से अगर कहते हैं कि मैं तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझसे इतर ये संसार के अंदर कोई चीज़ है नहीं, इस संसार की हर वस्तु जितनी भी वस्तु है वो मेरे कारण है, भगवान अगर ये कह रहे हैं तो इसमें आपको को संदेह होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, गाली दिखाने के लिए आपको गाली देनी है श्री सीता जी को, श्री जानकी अम्बा को, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जो है सीता जी जो है रावण के वहाँ गई थी, स्वेच्छा से गई थी, तुम्हारी माँ किसी पड़ोसी के घर जाती है तो वो तो स्वेच्छा से जाती है ना, श्री सीता जी जो हैं वहाँ पर उनका हरण किया गया था। अगर आप मानते हो कि सीता जी वहाँ लंका में थीं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो श्री सीता जी का हरण हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि श्री सीता जी जो हैं पतिव्रता थी और परम सती थी, ठीक है। अग्नि भी सीता जी के स्पर्श से खुद को पावन समझते हैं, जो सबको पावन करते हैं श्री अग्नि, वे अग्नि भी अपने आप को पावन समझते हैं श्री सीता जी के संपर्क से। तो ऐसी हमारी श्री जानकी जी, आप उनके बारे में ये सब अभद्रता कर रहे हैं, और रामानंदी साधुओं को तो मेरे को समझ नहीं आता क्या हो रखा है, इनके चरणों में लगने को तैयार हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रामानंदी हैं, आपको धिक्कार होना चाहिए अपने रामानंदी और अपने तिलक पर कि आप ये सब चीज़ आपके सामने होता हुआ देख रहे हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ ना, अब आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, कृपा कीजिए अपने ऊपर, अपने सिद्धांत के ऊपर, अपनी परंपरा के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर, रामानंदाचार्य जी के ऊपर ये कलंक बनते चले जा रहे हैं। और सिखों का भी ये कहना है कि अच्छा, इसके अंदर हमको सिखों का समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बोल दूँ, सिखों का समर्थन मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, सिखों को अपने लिए अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रामानंदाचार्य जी महाराज की जो वाणी है वो गुरबाणी के अंदर दर्ज की गई है। श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में श्री राम उपासना होती है, ठीक है, अयोध्या के प्रति उनका श्रद्धा भाव है, ठीक है। अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो आप जो है शब्द कड़वे लगेंगे, आप निकाल दीजिए उन पन्नों को, ठीक है, आप उनको निकाल देंगे, हम उनको स्वीकार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए रामानंदाचार्य जी महाराज जो है हमारे जगतगुरु हैं। यहां पर लिखा है, बचाए नहीं गए बूढ़े कदे जनेऊ खुद बोलो, आ वेख तुहाडा राम भगवान राम साडे गुरु दे पैरां च बैठा है। यहाँ पर इन्होंने फोटो डाली है जो कश्मीरी ब्राह्मणों की फोटो बनाई गई होती है, तो ये सब चीज़ मानेंगे कि हाँ भाई भगवान राम जो है
श्री सीता जी का हरण के बाद वहाँ पर शंभुक ऋषि का वध हुआ था वहाँ पर, और श्री सीता जी को वहाँ से लंका से जीत करके आए थे, रावण की लंका थी, स्वर्ण की उसको जलाया गया था, ये सब मानेंगे कि हाँ भाई उसके साथ शंभुक के साथ अत्याचार हुआ था, और भगवान राम जो हैं अपनी ऐसी जो निष्कलंक, वैसे तो जानकी जी बिल्कुल निष्कलंक हैं, संसार को निष्कलंक कर देने वाली श्री जानकी जी के ऊपर तुम कलंक लगाओगे, तो हालांकि राम जी ने उस धोबी को भी नहीं मारा था कि तुम ऐसी मेरी पत्नी के ऊपर, परम पतिव्रता स्त्री के ऊपर तुम कैसे चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन भगवान ने न्याय तो किया था ना, उस धोबी के कुल का आज भी गाली ही मिलती है, कितनी कथा होती है, राम कथा होती है वहाँ पर, उसको आज भी गाली मिलती है, तो इसीलिए आप भी समर्थन में अगर आप हैं इसके, डॉक्टर प्रभजीत सिंह के, इसके नाम क्या आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर क्या कहें, डंगर होना चाहिए इसका नाम, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास जो है कमेंट आया था, मेरे फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया था, हालांकि मैं इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ कि हाँ भी मैं खुद से किसी को जा करके करूँ, पर जब ये मेरे सामने खुद से कोई मैसेज करेगा तो मेरा तो कहीं ना कहीं आग बबूला होना बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ लिखा है फेसबुक वर्तों करता अक्टूबर 19 का 2023 में ये मेरे पास कमेंट फेसबुक पे मैसेज आया था, ठीक है जी। तो ये गीता के श्लोकों को इन्होंने ऐसे अभद्रवाणी इन्होंने लिख करके भेजी है। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप सीरियसली स्पीकिंग आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के किसी फेसबुक पेज पे डाल दीजिए, जो हम पंजाबी समझते हों समझा सकते हों आपको, ठीक है। या फिर आप पंजाब पुलिस को ट्विटर पे टैग कर लीजिए, अथवा ये जो जितने भी पंजाब के हमारे लीडर्स हैं, राहुल गांधी को टैग कर लो ना, राहुल गांधी जो सिखों के लिए अपनी सद्भावना दिखा करके आया है वहाँ अमेरिका में, जहाँ पर गया था ये, वहाँ बोला था कि सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ जो राहुल गांधी बोलकर आया, राहुल गांधी से पूछो ये किसने लिखा है, निकलवाओ इसकी आईडी, मुझे ब्लॉक करके गया ये।